मम्मी मैं बोली हूँ आलू ले लो, आलू से काफ़ी आलू की सब्जी बन जाएगी उनके लिए, रिश्तेदारों के लिए। लेकिन खाली आलू तो नहीं लेना, वरना और सारी चीज़ें भी लेनी है। हाँ तो सलाद के लिए खीरा ले लो। पूछो भैया से क्या रेट है, भैया बताइए क्या रेट है। 15 रुपये किलो आलू है। 15 तो नहीं होता, थोड़ा और कम करिए। नहीं मैम, देखिए हमें बहुत सारी सब्जियाँ ही लेनी है। कोई बात नहीं जी, 2 रुपये बचते हैं, 15 रुपये किलो लगेगा। अरे 10 लगा लो। 10 नहीं लगेगा। अच्छा खीरा क्या रेट है? 30 रुपये। नहीं, 2 रुपये कम दे देना। 2 रुपये कम से क्या होता है? नहीं बचता ये 2 रुपये, उसी हिसाब से लगा देंगे। ठीक है फिर कर दो। चलो फिर बताइए धनिया का क्या रेट है? धनिया तो चलो कोई बात नहीं, फिर हम दे देंगे। हाँ तो ऐसा करो, खीरा आलू और कद्दू भी दे देंगे। और ये अदरक कैसे? अदरक 10 रुपये का 100 ग्राम। ठीक है 5 रुपये का। चलो ठीक है, और बोलो। और लहसुन कितने का? 20 रुपये का 100 ग्राम। शॉपिंग वगैरह भी पूरी करनी होगी। क्या बोल रहे हो मामी? हाँ शॉपिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब शादी करके जाते हैं। ये लगा लेना, इससे रंग साफ हो जाएगा, कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो अच्छे से इसे लगा लेना। और अपनी बहन से बोल के मेकअप भी करा लेना। ये क्या डेली का ये क्या नुस्खा लेके आ जा रही हूँ? अनु कल सिया को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अच्छा माँ, तो मैं क्या करना होगा फिर मुझे? जब इसे लड़के वाले देखने आएंगे ना, तब तू बस अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर चली जाना। पर मेहमान आ रहे तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? अनु माँ सही बोल रही है। देख बेटा, तुझे तो पता ही है लड़के वाले इसे देखने आते हैं पर तुझे पसंद कर लेते हैं। पापा गलत कहते थे, किसी या रंग से कुछ नहीं होता, तुम पढ़ो काबिल बनो, दुनिया काबिलियत देखती है। ये क्यों नहीं बताया पापा ने, सच्चाई क्यों नहीं बताई दुनिया की कि लाख काबिल बन जाओ, आखिर में शादी के वक्त तुम्हारा रूप तुम्हारा रंग देखा जाएगा, तुम्हें जितनी कमियां होंगी उतने समझौते करने पड़ेंगे। देखो मोटी उसकी दोस्त आ रहे हैं। कौन मोटी? वो प्रिया। हाँ इसको नौकरी ऐसे मिल गया पर? पता नहीं यार, ऐसा क्या की है जो इसको इतने बड़े ऑफिस में नौकरी मिल गई। चलो चलो देखते। प्रिया आज जल्दी घर चले हम दोनों? हाँ फिर आज शाम में हमको पार्टी भी तो करनी है ना, तुम मैं और नितिन होंगे सब। हाँ हाँ नितिन सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ टीना बोलो। मुझे लगता है ना प्रिया तुझे पसंद करती है। नहीं यार, वो तो बहुत मोटी है। क्या किसी लड़की का मोटा होना गलत है? अगर मैं मोटी हूँ तो क्या इसमें मेरी कोई गलती है? अगर मैं मोटी हूँ तो क्या मैं किसी को पसंद नहीं कर सकती? क्या मोटापा एक लड़की के लिए सज़ा है? क्या करूँ अगर मैं मोटी हूँ तो, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या करूँ मैं? प्रिया मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं नितिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। टीना ने मुझे सब कुछ समझा दिया। कोई बात नहीं नितिन, माफ करना। रुको, हाँ जाओ आगे आगे जाओ। जल्दी थोड़ा। हाँ सुन करो उन लोगों के फेस पे और ज्यादा। बस 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 वापस इधर आ जाओ हर्षिता।
मम्मी पापा से लड़कर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया, इतने बड़े सपने भी देख लिए, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ मुझे लोगों के ओपिनियन से भी लड़ना पड़ेगा। मुझे क्या पता था कि हाइट कम होना इतनी बड़ी कमी है। किताबों में इतना कुछ सिखाते हैं तो ये बात क्यों नहीं सिखाते कि छोटे कद से ज़्यादा छोटी सोच बुरी है। अभी से हम आईने को ये बता रहे हैं कि तू खूबसूरत नहीं। आखिर कितनी खूबसूरती चाहिए इस दुनिया वाले को। आइए खामियों को न देखकर खूबसूरती की तलाश करते हैं।